चलो चलो ट्रॉली बढ़ाओ, आराम से जाना। अरे भाई किशनलाल, इस बार तो तेरी मक्के की उपज तो बहुत जबरदस्त हुई है। अभी तूने ट्रक मंडी भेजा, अबे दूसरा भी भेज रहा है। सब ऊपर वाले की दया है, इस बार फसल और उपज बहुत अच्छी हुई है, और इस बार तो मुझे खरीदार भी मिला है जिसे मेरे मक्के के दाने इतने पसंद आए कि उसने मुझे मक्के के दानों का बड़ा ऑर्डर दे दिया। अरे वाह, अरे भैया आपका भुट्टा तो बड़ा भी है, वजनी भी और मीठा भी। सच बता, ये सिर्फ भगवान की दुआ तो नहीं लगती, क्योंकि इस साल तो बारिश भी ठीक से नहीं हुई, तो ये चमत्कार कैसे? चल मेरे पीछे आ, ये मक्का देख कैसा लग रहा है। बहुत ही बढ़िया, पर ये तो तेरे मक्के जैसा लग रहा है। वो इसलिए क्योंकि इस साल गोपाल ने मेरी तरह VNR सीड्स के हाइब्रिड मक्का 42-26 का बीज लगाया था। इसकी यही खासियत है, इससे मध्यम ऊंचाई की फसल होती है और बिल्कुल एक आकार के बड़े मक्के निकलते हैं। हरे भुट्टे लगभग 65 दिन में तैयार हो जाते हैं एवं दाने 100 से 105 दिन में तैयार हो जाते हैं, और ये सूखे के प्रति सहनशील रहती है, इसलिए इस साल कम बारिश और पानी के बावजूद मेरी इतनी बढ़िया फसल और उपज हुई। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे गुस्सा मत हो, अब से सिर्फ VNR सीड्स का हाइब्रिड मक्का 42-26 बीज ही लगाना, समझा? VNR सीड्स, पानी मांगे कम, पैदावार में दम।